तो आज हम बनाएंगे तड़का वाला मूंग दाल। इसके लिए ना मैंने मूंग दाल को रात को ही भिगो के रख दिया था और सुबह वो अच्छे से भीग गई थी, तो मैंने उसको कुकर में डाल दिया 2 सीटी लगाने के। जब तक दाल रेडी होती है ना, तब तक मैं 2 प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को छोटा छोटा काट लूँगी, क्योंकि तड़का वाले मूंग दाल में ना इसको अगर हम छोटा छोटा काट के डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, फ्लेवर कुछ और ही आ जाता है। अगर आप चाहे तो पीस के भी डाल सकते हो, लेकिन कटे हुए जो लहसुन और अदरक का जो स्वाद रहता है ना वो कुछ ज़्यादा ही एनहेंस कर देगा आपका दाल को। अब हम ना दाल का तड़का लगाएंगे। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया और उसमें जो हमने कटे हुए प्याज और लहसुन अदरक काटे थे ना तो वो सब डाल देंगे, और उसके साथ ही हम हल्दी और नमक को भी डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्दी को पकाना है। अब ना मैं उसमें ज़ीरा पाउडर डालूंगी, और ज़ीरा पाउडर को थोड़ा सा भुनने के बाद मैंने जो बॉईल किया हुआ है ना मूंग दाल, मैं उसको उसमें डाल दूंगी और उसको थोड़ा सा पका लूंगी। उसके ऊपर मैंने गरम मसाला डाला है और लाल मिर्च पाउडर, और उसको थोड़ा सा हिलाने के बाद मैं उसमें धनिया को काट के डाल दूंगी छोटा छोटा, और उसको 10 मिनट के लिए ऐसे लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी। हमको ना इसको ना ज़्यादा सुखाना नहीं है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस हल्का गाढ़ा करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद वो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इशिता को दूध देने जा रही हूँ, क्योंकि उसकी बस आने वाली है। बाय बाय।